मौजूद हैं, जनसुनवाई कर रहे हैं। सर्किट हाउस में ये जनसुनवाई चल रही है। भरतपुर का दौरा है, दूसरे दिन का दौरा। केवलादेव नेशनल पार्क पहुंचे सीएम भजन लाल और उसके बाद अब सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर रहे हैं। संभाग स्तरीय अधिकारियों की भी आज वो बैठक लेंगे, लेकिन उस बैठक से पहले फिलहाल ये जनसुनवाई चल रही है और अलग अलग स्तर पर लोग पहुंचे हुए हैं सीएम के पास अपनी समस्याएं लेकर। और एक बच्ची यहाँ नजर आ रही है हाथ जोड़े हुए, क्योंकि समस्याएं गंभीर होती हैं तब लोग पहुंचते हैं सीएम तक, या तब जब अधिकारी सुन नहीं रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में एक ही सहारा या एक ही आशा की किरण नजर आती है और वो है जब प्रदेश के मुखिया, और वही प्रदेश के मुखिया के पास ये लोग पहुंचे हुए हैं। देवेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जानकारी दीजिए, सर्किट हाउस में जनसुनवाई चल रही है, क्या क्या समस्याएं हैं और नजर आ रहा है कई लोग हाथ जोड़कर विनती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जनसुनवाई कर रहे हैं लगातार। पहले तो मुलाकात में, पहली मुलाकात जैसे ही होती है तो लोग हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे हैं और बाद में अपनी समस्या को लेकर उनको ज्ञापन दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। ज्यादातर लोग वो हैं जो ट्रांसफर की एप्लीकेशन लेकर पहुंचे हैं, जो अपने किसी परिजन का ट्रांसफर चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, या ज्यादातर वो मामले हैं, चाहे जमीन से जुड़े मामले हो, रास्ते के मामले हो, इस तरह के मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे हैं। हालांकि जो साथ के साथ जो अधिकारी वहां पर हैं उनको सीएम निर्देश दे रहे हैं। सीएम के साथ मौके पर जिला कलेक्टर हैं अमित यादव, इसके अलावा प्रभारी मंत्री हैं आईजी राहुल प्रकाश हैं, एसपी मृदुल कछावा हैं, तमाम वो अधिकारी हैं। इसके अलावा सीएम के जो सेक्रेटरी हैं संदेश नायक, वो भी साथ में है। दूसरे सेक्रेटरी जो सीएम सचिव हैं सिद्धार्थ सियाग, वो भी साथ में है। तमाम पुलिस के प्रशासन के अधिकारी हैं जिनको मौके पर ही सीएम समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दे रहे हैं। लेकिन सीएम जब जनसुनवाई के लिए पहुंचे तो बड़ी संख्या में, कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। अभी तक जो रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग हैं जो यहाँ पर जनसुनवाई में पहुंचे हैं उनकी संख्या 1000 से ऊपर है। 1000 से ज्यादा लोग तो अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनकी संख्या हजारों में है। तो एक तरीके से कहें कि सीएम से मिलकर हर कोई अपनी परिवेदना देना चाहता है, अपनी प्रार्थना, अपना प्रार्थना पत्र देना चाहता है और उसको आस है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची है। देखिए, महिलाएं इस बात को लेकर पहुंची है कि किसी को घर के नजदीक पोस्टिंग चाहिए, कोई अपना स्थानांतरण अपने गृह जिले में चाहती है, तो तमाम उनको लगता है कि एक प्लेटफॉर्म मिला है उनको सीएम से मिलने का। और ये क्योंकि सहज रूप से सीएम मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको लगता है कि उनकी बात अगर प्रदेश के मुखिया तक जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, और प्रदेश के मुखिया अगर कार्रवाई करेंगे, आश्वासन देंगे, तो निश्चित रूप से लोग आश्वस्त है। यही वजह है कि महिलाएं भी पहुंची हैं, बुजुर्ग भी पहुंचे हैं और लोग इसी बात को लेकर उनको प्रार्थना पत्र अपना दे रहे हैं कि जब प्रदेश के सूबे के मुखिया तक वो अपनी बात पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी समस्या का हल होगा। इसी आश्वासन और विश्वास के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, हर हाथ में कागज है, हर कोई अपनी प्रार्थना अपनी परिवेदना सीएम को देना चाहता है। जी देवेंद्र, देखिए क्योंकि ये गृह क्षेत्र है सीएम का, ऐसे में अलग अलग, क्योंकि आपने कहा ट्रांसफर की जो कई ऐसे निवेदन लेके पहुंचे हैं लोग, कई इस तरह की बातें लेके पहुंचे हैं, क्या परीक्षाओं को लेकर भी या कोई अपराध संबंधित समस्याएं भी हैं उनको लेकर भी यहां पर लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, परीक्षा को लेकर तो अभी यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन लोग इस बात को लेकर पहुंचे हैं कि जो जमीन संबंधी जो विवाद है या जो जो कई लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो तफ्तीश है उसको चेंज कर दिया जाए, जो उनका ज्यादातर जो मामले हैं वो ट्रांसफर से जुड़े हुए हैं। लोग अपना जो स्थानांतरण को लेकर पहुंचे, थर्ड ग्रेड शिक्षक के ट्रांसफरों की बड़ी फहरिस्त है, क्योंकि हालांकि सीएम ने जो एक जो शुरुआत जो जनसुनवाई की थी तो एक विकलांग जो शिक्षक था उससे मुलाकात की थी तो उसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। उनमें प्रार्थना पत्र देने वालों की संख्या वही है और उसमें ज्यादातर लोग वही हैं जो ट्रांसफर की परिवेदना लेकर पहुंचे हैं, हर कोई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, पहले तस्वीरें नजर आई थी जब वॉक के लिए निकले थे सीएम और अब जनसुनवाई करते हुए।